नमस्कार दोस्तों, अपना देश चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, दीपावली का त्यौहार 5 दिन तक मनाया जाता है और ये त्यौहार धनतेरस से शुरू होता है और भैया दूज तक मनाया जाता है। धनतेरस के दिन पुराने समय से ही सोना चांदी खरीदने का रिवाज है, एक परंपरा जो है वो चली आ रही है, जिसे हम निभाते आ रहे हैं। जिसका जितना सामर्थ्य होता है उसके अकॉर्डिंग लोग गहने और ज्वेलरी जो है वो सब खरीदते हैं, कोई सोने के बिस्किट खरीदते हैं, कोई चांदी खरीदते हैं। तो इस प्रकार से सोना या चांदी जो उसको घर में अवश्य ही लेकर आते हैं। लेकिन दोस्तों, आप शायद ये नहीं जानते कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें अगर आप धनतेरस के दिन अपने घर में लाएंगे तो आपका भाग्य कई हजार गुना प्रबल हो जाएगा। माँ लक्ष्मी की आपको अपार कृपा जो है वो प्राप्त होगी। वैसे अगर आप सोने चांदी के गहने खरीदेंगे फ्रेंड्स, तो स्थिर लक्ष्मी का तो पता नहीं, लेकिन आपकी ग्रह लक्ष्मी है वह बहुत ही प्रसन्न होगी। तो ग्रह लक्ष्मी को भी प्रसन्न कीजिए, लेकिन साथ में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। और इसके लिए हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें आपको धनतेरस के दिन जरूर परचेज करना है। और दोस्तों, आप चाहें तो धनतेरस के पूर्व पुष्य नक्षत्र आता है, उस दिन अगर आप कुछ सामान जैसे चांदी या सोना आप खरीदना चाहें तो पुष्य नक्षत्र में आप खरीदें तो वह और भी ज़्यादा शुभ रहता है। और धनतेरस के दिन आप जो आगे हम चीज़ें बताने जा रहे हैं उनमें से कुछ चीज़ें आप जरूर खरीदें, और शायद कुछ चीज़ें आपके पास पहले से हो घर में, तो आप धनतेरस और दीपावली के दिन उनकी पूजा करें। तो चलिए जानते हैं उन चीज़ों के बारे में जो आपके भाग्य को बदलने वाली, आपके घर में धन दौलत के भंडार भरने वाली। उनमें सबसे पहली चीज़ है फ्रेंड्स, साबुत धनिया। नॉर्मल धनिया जो हम यूज़ करते हैं, पाउडर धनिया जो खाने में यूज़ करते हैं, वो साबुत धनिया यहाँ हमने लेना है, जो पंसारी की दुकान में आपको आसानी से मिल जाएगा। धनतेरस के दिन आप थोड़ा सा साबुत धनिया खरीद के ले आए। और दीपावली की रात लक्ष्मी पूजन के समय लक्ष्मी माँ के सामने आप साबुत धनिया रख दें। और दोस्तों, अगले दिन आपको सुबह उस धनिया को किसी गमले में बो देना है, क्योंकि दोस्तों ऐसी मान्यता है कि अगर जो साबुत धनिया हमने बोया है वह अगर हरा भरा स्वस्थ निकले तो आपकी आर्थिक स्थिति पूरे वर्ष भर अच्छी रहेगी, और इसके विपरीत अगर पतला निकले तो कोई खास इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस नहीं है। और अगर पीला या बीमार सा निकले या निकले ही नहीं, तो ये बहुत बड़े आर्थिक संकट, आर्थिक परेशानी का संकेत है फ्रेंड्स। तो इस संकेत से अगर किसी को मिलता है तो वो संभल सकते हैं और उपाय करके उस संकट से निजात पाने के लिए रास्ता ढूंढ सकते हैं। तो साबुत धनिया आप अवश्य लाएं और नेक्स्ट डे दीपावली के अगले दिन उसे जरूर बोए। अगली चीज़ जो आपको परचेस करनी वो है चांदी का सामान। नॉर्मली जो है आप जब चांदी खरीदते हैं तो क्या खरीदते हैं, चांदी के सिक्के। लेकिन दोस्तों, अगर आपके घर में चांदी के लक्ष्मी जी गणेश जी की मूर्ति है तो कोई नहीं, आप उसकी पूजा करें। लेकिन अगर नहीं है तो इस दीपावली आप सोने चांदी के सामान की जगह माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की चांदी की मूर्ति अवश्य लाएं। क्योंकि दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि चांदी जो होती है वो ठंडी होती है, वो चंद्रमा का प्रतीक होती है, इससे घर में शीतलता आती है। जो अग्रेसिव नेचर होता है घर के लोगों का वो शांत हो जाता है और घर में सुख शांति और समृद्धि जो बनी रहती है। इसलिए दोस्तों, अगर आपके पास में लक्ष्मी गणेश की मूर्ति नहीं है तो इस धनतेरस आप लक्ष्मी गणेश जी की चांदी की मूर्ति अवश्य ही परचेस करें और दीपावली के दिन उनकी पूजा करके अपने घर के मंदिर में स्थापित करें। और दोस्तों, आप दीपावली के दिन हो सके तो घर के नॉर्थ जोन में लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति रख के आप पूजा करें। अगली चीज़ दोस्तों वो है हत्था जोड़ी। एक जड़ी बूटी होती है दोस्तों जो कि माँ लक्ष्मी की पूजा में यूज़ की जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और जहाँ ये होती है वहाँ पे कभी भी धन से रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं रह पाती है। इसलिए दोस्तों, अगर आपके पास ऑलरेडी घर में ये है तो आप पूजा में रखें, और नहीं है तो इस धनतेरस आप जरूर इसको परचेस करें। नेक्स्ट चीज़ है रुद्राक्ष की माला। दोस्तों, रुद्राक्ष की माला से दीपावली के दिन मंत्रों का जाप करने से माँ लक्ष्मी के साथ भगवान भोलेनाथ की कृपा भी आपको प्राप्त होगी। अगर आपके घर में पहले से है तो आप माँ लक्ष्मी के मंत्रों का उच्चारण रुद्राक्ष की माला से करें, और नहीं है तो आप इस वर्ष जरूर से परचेस कीजिए। अगली चीज़ है कौड़ी।
धनतेरस के दिन आपको कोड़ी जरूर से ही खरीद के लानी। दोस्तों कोड़ी जो होती है वो माँ लक्ष्मी की बहुत फेवरेट होती है और जहाँ कोड़ियाँ होती हैं वहाँ माँ लक्ष्मी की कृपा अवश्य ही हमें मिलती है। और जो कोड़ियाँ आपने परचेस करनी है उनको करने के बाद में आपको षोडशोपचार करके यानी कि अच्छे से पूजा करके फिर केसर या फिर हल्दी से उनको रंग लेना है और रंगने के बाद में पीले कपड़े में बांधना है। और दोस्तों इन कोड़ियों को आपको लक्ष्मी पूजन में जरूर से रखना है और पूजा के बाद में उसको तिजोरी में रख लेना है। और अगर फ्रेंड्स आपके पास पहले से है तो आप उनको धोकर वापस से केसर या फिर हल्दी से रंग कर पूजा में रखें और दीपावली की पूजा समाप्त होने के बाद में इन्हें फिर से पीले कपड़े में बांध कर तिजोरी में रख दें। ये कोड़ियाँ धन लाभ के लिए अच्छी अवसर जो पैदा करती है। अगली चीज़ है दोस्तों दक्षिणावर्ती शंख। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने की एक अभूतपूर्व चीज़ है ये दोस्तों। इस शंख को आप गंगा जल, गाय के घी, कच्चा दूध, मधु, गुड़ यानी कि पंचामृत से अभिषेक करके पूजा स्थल में आपको रखना। और रखने के लिए आप एक लाल कपड़े का आसन बना लें, उसके ऊपर आप दक्षिणावर्ती शंख को स्थापित करें। दोस्तों लक्ष्मी पूजा में दक्षिणावर्ती शंख का बहुत बड़ा रोल है, बड़ी अहम भूमिका है, इसलिए आप इसको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट ना करें। अगर आपके घर में है तो आप जरूर से पूजा में रखें और माँ लक्ष्मी को जो स्नान करवाएं आप, अभिषेक जो करवाना है आपको लक्ष्मी पूजा का, तो उस समय आप दक्षिणावर्ती शंख से ही माँ लक्ष्मी का अभिषेक कराएं। इससे आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होगा। अगली चीज दोस्तों नमक। धनतेरस और दीपावली के दिन आपको नमक का पैकेट बिल्कुल खरीद के लाना ही है। ये काम तो आपको करना ही है, इसमें कोई चॉइस नहीं है। और जो नमक आप लेके आए उस दिन दीपावली के दिन आपको उसी नमक का इस्तेमाल करके आपने उसका खाना बनाना है। और साथ ही दोस्तों दीपावली के दिन आप पूरे घर में जो पोछा लगाया जाता है उसके पानी में नमक डाल दें, 2-3 चम्मच आप नमक डाल दें पानी में और फिर पोछा लगवा लें। दोस्तों ये घर की नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है, घर की गरीबी को दूर करता है, घर में पॉजिटिव एनर्जी को लाता है, घर में सुख शांति और समृद्धि को लाता है। तो इस उपाय को आप जरूर से करें। धनतेरस और दीपावली दोनों ही दिन आपने उस पैकेट को यूज करना है और पूजा लगाना है। अगली चीज़ है नए बर्तन। धनतेरस पर नए बर्तन खरीदने की परंपरा तो चली आ ही रही है, लेकिन दोस्तों मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आप धनतेरस के दिन अगर आपके घर में कलश, पीतल या तांबे का कोई बड़ा कलश है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप धनतेरस के दिन उसको अवश्य परचेस कर लें और उस कलश को अपने घर में जो भी सिक्के हो उनसे पूरा भर लें, जितना संभव हो पूरा भर के आपको उसकी पूजा करनी है। क्योंकि दोस्तों धनतेरस के दिन वास्तविक जो पूजा होती है वो कलश की पूजा होती है, क्योंकि इस दिन धन्वंतरी जी कलश के साथ में प्रकट हुए थे और इसलिए इस दिन कलश की पूजा करना घर में सुख समृद्धि के साथ में आरोग्य को लाता है। इससे घर के जो लोग होते हैं वह स्वस्थ रहते हैं। और इसका आपको उपाय किस तरह से करना है, चौकी के ऊपर आपने चावल डालने हैं और चावल के ऊपर जो पीतल या तांबे का जो भी कलश है उसको आपको अगर नया परचेस किए तो ठीक है, अगर पुराना है तो उसको बिल्कुल अच्छे से साफ करके चमका लीजिए और फिर उसके बाद में चावल के ऊपर उसको स्थापित कर लीजिए और फिर उसको सिक्कों से भर दीजिए और भरने के बाद में आप उसमें एक सुपारी और एक हल्दी की गांठ डाल दें और फिर पूरे अच्छे से पंचोपचार पूजा से उस कलश की आप पूजा कीजिए। और पूजा करने के बाद में आपको जब पूजा पूर्ण हो जाती है उसके बाद आपको उस कलश को एक लाल कपड़े से ढक देना है, यानी कलश का जो मुंह उसको आप लाल कपड़े से बंद कर दीजिए और फिर घर के वेस्ट जोन यानी कि पश्चिम दिशा में उसको रख दीजिए। दोस्तों ये धन प्राप्ति के योग बनाने के लिए एकदम अचूक उपाय, इस उपाय को बिल्कुल करना ना भूलें, इसको आप जरूर कीजिए और घर में पूजा करने के बाद में इसको वेस्ट जोन में रख दीजिए। अगली चीज है दोस्तों नई झाड़ू। धनतेरस के दिन आप नई झाड़ू जरूर से खरीदें और दिवाली पूजा में झाड़ू जरूर से ही रखना चाहिए, क्योंकि झाड़ू को माँ लक्ष्मी का रूप समझा जाता है। अगली चीज है स्फटिक का श्रीयंत्र। श्रीयंत्र माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का एक शुभ चीज मानी जाती है। इसको पूजा में रखने से माँ लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न होती है
और धनतेरस के दिन यदि स्फटिक का षड्यंत्र अपलाते हुए बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है, और धनतेरस की रात में इसे मंत्रों से सिद्ध करना चाहिए। दोस्तों इसको मंत्रों से सिद्ध करने के बाद में ही इसका इफेक्ट आता है, और इफेक्ट इतना ज्यादा आता है कि फिर आपको कभी भी डाउन देखने की जरूरत नहीं होती, फिर आपकी जो घर की उन्नति है वो दिन ब दिन होती ही जाएगी, घर में सुख समृद्धि का वास होगा, और इससे बेहतर कोई यंत्र नहीं है। और लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने और व्यापार वृद्धि के लिए ये सबसे श्रेष्ठ यंत्र जो है वो माना जाता है। तो ये थे दोस्तों धनतेरस पूजा से जुड़ी जानकारी, जिससे आप अपने भाग्य को और भी प्रबल बना सकते हैं। आप इन्हें जरूर आजमाएं, और हमारी यही शुभकामना है कि माँ लक्ष्मी आप सभी पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे। दोस्तों कुछ चीज़ें आपके पास पहले से होंगी, और जो चीज़ें नहीं है उन चीज़ों को आप माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए धनतेरस के दिन अवश्य खरीदें। और दोस्तों सोना या चांदी खरीदने के लिए धनतेरस से नहीं पुष्य नक्षत्र को ज़्यादा उपयुक्त समय समझा जाता है, और इस वर्ष 13 अक्टूबर को पुष्य नक्षत्र जो है वो 7:46 से शुरू होगा और 14 अक्टूबर को 6:54 तक रहेगा। तो दोस्तों अगर आपको सोना या चांदी खरीदना है तो आप पुष्य नक्षत्र में खरीदें, जो कि 13 तारीख को शुरू होगा। आपको अवेलेबल नहीं हो पा रही हो, जैसे हत्ता ज्वेलरी, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप धनतेरस के दिन अगर वो आपको है वही मिल रही चीजों को खरीदें, और सोना चांदी लिंक दिया हुआ है नक्षत्र में खरीदें, भी आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं की ओर से आपको धनतेरस और दीपावली की इस जानकारी को आप कम से कम 4 लोगों के साथ जो आपके सबसे ज्यादा फेवरेट हो उनके साथ जरूर शेयर करें, ताकि उनकी जिंदगी में भी दिवाली की खुशियों की रौनक आ सके। और आप हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही फ्रेंड्स घंटी के बटन को जरूर दबाएं। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।